अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा ब्लॉग अफ्तार पार्टी। ज़हीरुद्दीन बाबर तैयार होकर आ चुके हैं अफ्तार पार्टी के लिए और मेहमानों को सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों को आज सर्विंग करेंगे, अफ्तार पार्टी भी देंगे और अफ्तार सर्विस भी देंगे। क्या हाल है? मैं तो कहता हूँ कि खड़ी रहते हैं सब। हाँ, और आप उनका छोटा भाई भी अब्दुल्ला भी है, वो भी आने वाला है, अभी वो अभी सो रहा है, अभी उठ चुका है। ज़हीरुद्दीन बाबर भी तैयार हो चुका है और अभी हम सर्व करेंगे अपने दोस्तों को। दोस्त आना शुरू हो गए हैं और पार्टी देने वाले अफ्तार, अफ्तार पार्टी भी देने लगे हैं। और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दे ही देते हैं। कौन नहीं है? चलते हैं अपने दोस्तों के। ये देखिए जी नाज़रीन, अफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं और आज हमारा मेन्यू है कि बिरयानी बनानी है डिनर में, और इसके लिए सामान काटा हुआ हमने। ये दवा दिखा देते हैं आपको। ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। ये जी हम दोस्तों के लिए बिरयानी का इंतजाम कर रहे हैं और हम सब मेड कुकिंग कर रहे हैं ताकि अपने दोस्तों को बेहतरीन का खाना खिला सकें। ये देखें जी पकौड़े बन रहे हैं अफ्तार की तैयारी के लिए। ये जी हमने टैंक तैयार किया हुआ अपने साथियों के लिए, क्योंकि अफ्तार में प्यास लगी होती है तो उसके लिए टैंक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जी हमने गिलास भी अपने रेडी कर लिए हैं अफ्तार के लिए, और सारा हम अपना सामान रेडी करते हुए जा रहे हैं। हमने अफ्तार के लिए किए हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से ही कर लेंगे, कर लेंगे। मगरिब की अज़ान होते ही तमाम दोस्तों ने अफ्तार किया और मैंने खुसूसन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने इस तौफीक दी कि मैं तमाम दोस्तों को अफ्तारी करा सकूं। और अफ्तारी करने के बाद हम तमाम दोस्तों ने नमाज मगरिब अदा की, और बाद नमाज मगरिब हमारा ये इरादा था कि दोस्तों को डिनर करा दिया जाए और देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि रोज़ादारों को अफ्तार कराना एक बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ हासिल हुआ है। वहाँ तो तरबीत प्रोग्राम बेशुमार हो चुके हैं, देख लें अभी और भी चले इंशाल्लाह। ठीक हो गया अपने, ये एक दो जी नाज़रीन, इस टाइम अफ्तार हो चुका है, डिनर चल रहा है। ये देखो,